आज हम देखने वाले हैं अगर एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी हो तो होता रो क्या करेगा, और ये एपिसोड आगे के अमेजिंग एपिसोड्स की बस शुरुआत है। एपिसोड को शुरू करने से पहले आपको लाइक बटन को दबाना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। एक इंसान को मैसेज आया है जिसमें सेंडर ने किसी बात के लिए सॉरी कहा है। उसे ये अननोन इंसान रिप्लाई करता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसके बाद फ़ोन बंद होता है और लैपटॉप शुरू हो जाता है। लैपटॉप में ये इंसान एक पब्लिक चैट रूम में किसी को मदद करने के लिए कह रहा है। मदद के लिए वो अपने सीनियर से भी पूछता है। इसके बाद चैट रूम में एक नया कैरेक्टर आता है जिससे ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो क्लासिक्स क्लब में है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आए। इसी के साथ चैट ख़त्म होता है और कुछ समझ में नहीं आता है। लगता है कि स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। होतारो और सातोशी स्कूल के अंदर बात करते हुए आ रहे हैं। सातोशी किसी स्पोर्ट्स टीम के फाइनल्स में जाने के बारे में बात कर रहा है और कहता है कि काश उसके पास भी कुछ अच्छा टैलेंट होता। वो खुद को एक डेटाबेस ज़रूर मानता है मगर ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है क्योंकि वो अपने फुल पावर में भी कभी क्विज किंग नहीं बन पाएगा। होतारो कहता है कि ऐसे टैलेंटेड लोगों की ज़िंदगी भी कुछ खास नहीं होती है। सातोशी उसका मतलब पूछता है तो वो कहता है कि जीनियस लोग चाहकर भी एक साधारण ज़िंदगी नहीं पा सकते हैं। अब सातोशी कहता है कि लगता है कि तुम भी एक साधारण ज़िंदगी चाहते हो। अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है मगर तुम्हारे बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। होतारो कहता है तुम एक बात जान लो कि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा हूँ तो तुम एक बेवकूफ़ हो। अब सातोशी कहता है इन सब बातों को छोड़ो और जल्दी मीटिंग के लिए अंदर चलते हैं वरना मायाका बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। वो दोनों ऊपर आते हैं और सबसे पहले मायाका उनके ऊपर लेट होने के लिए चिल्लाती है और होतारो पूछता है कि चिटांडा अभी तक नहीं आई है क्या। उसका नाम लेते ही वो हाजिर होकर उन्हें क्लास 2F के द्वारा बनाई गई एक मूवी दिखाने ले जाती है। उसके एक पहचान के स्टूडेंट ने उसे और क्लब मेंबर्स को इसके लिए इनवाइट किया था। स्क्रीनिंग रूम के अंदर आने पर एक लड़की निकलती है जो कि उनकी सीनियर है और चिटांडा क्लासिक्स क्लब के मेंबर्स का इंट्रोडक्शन देती है। फिर पता चलता है उस सीनियर का नाम है इरिसू फुयुमी। यह नाम सुनकर सातोशी आगे आकर कहता है कि वो उसे पहले से जानता है। इरिसू उसे याद करने की कोशिश करती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है और सातोशी को निराश होना पड़ता है। मायका पूछती है कि चिटांडा उसे कैसे जानती है तो चिटांडा कहती है कि उन दोनों के फैमिलीज एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं और इरिसू ने बचपन में उसकी बहुत हेल्प भी की है। वो उन्हें एक मूवी देखने के लिए कहती है जिसको उसके क्लास के मेंबर्स ने क्रिएट किया है और उनका ओपिनियन चाहती है। वो लोग बैठ जाते हैं और होतारो सवाल करता है कि उनको ये मूवी दिखाकर कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, तो क्या वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सब कर रहे हैं। इरिसू मना कर देती है और कहती है कि अभी के लिए उनके लिए मूवी को देख लेना अच्छा रहेगा और जाने से पहले बताती है कि मूवी का कोई नाम नहीं रखा गया है इसीलिए उसे मिस्ट्री कहा जा रहा है और उन्हें गुड लक कहकर वहाँ से निकल जाती है। मूवी शुरू होती है जिसमें स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि एक्टिंग बहुत बकवास है। पहले सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और उनका नाम पता चलता है। आप स्क्रीन में सबके नाम पढ़ सकते हैं। वो लोग एक अनजान विलेज में घूमने आए हैं। वहाँ पर कोई नहीं रहता है और सब एक बड़े से घर के अंदर जाते हैं ताकि वहाँ पर रात बिता सकें। घर थोड़ा बड़ा है और हर तरफ टूटी हुई ग्लास है। इसके लिए वो फर्श पर नहीं सो सकते हैं और अब उन्हें रात होने से पहले कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। एक लड़की दिखाती है कि पास में घर का फ्लोर मैप पड़ा है। अब उनका लीडर कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर रूम्स चेक करने चाहिए, जिसको एक लड़की अपोज करती है क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है और उनके पास रूम्स की चाबियाँ भी नहीं हैं। फिर से फ्लोर मैप वाली लड़की उन्हें दिखाती है कि रूम्स की चाबियाँ कहाँ पर हैं और उन्हें लाती है मगर मास्टर की को वहीं पर छोड़ देती है ताकि कभी मुसीबत आए तो वो उसे यूज़ कर सकें। वो लोग एक एक चाबी लेते हैं और रूम्स चेक करने के लिए निकल जाते हैं। अब सातोशी कहता है कि अब शायद कुछ अपराध हो सकता है क्योंकि सब अलग अलग हो गए हैं। कुछ देर बाद एक एक करके सब आते हैं और पता चलता है कि हर तरफ टूटा हुआ ग्लास है
लेकिन काइटो अभी तक नहीं लौटा है। बाकी सब उसे ढूंढने चलते हैं और एक बड़े हॉल टाइप रूम में आते हैं। एक एक करके दो रूम्स चेक करते हैं मगर काइटो उसमें नहीं मिलता है, और जब वो तीसरे रूम को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो लॉक्ड निकलता है। दो लड़कियां जाकर मास्टर की लाती हैं ताकि वो दरवाजे को खोल सकें, और दरवाज़ा खुलने पर पता चलता है कि काइटो खून से लथपथ ज़मीन पर गिरा हुआ है। कैमरा एंगल चेंज होने पर हमें उसका एक कटा हुआ हाथ दिखता है। ये देखकर लड़कियां चीखने लगती हैं और एक लड़का जाकर विंडो को चेक करता है मगर कुछ पता नहीं चलता है। उस रूम में इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। और अब यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। चिटांडा मूवी देखकर घबरा गई है और अब सब सोचते हैं कि मूवी ऐसे कैसे ख़त्म हो गई। इरिसू पीछे से आकर कहती है कि तुम्हारे हिसाब से दोषी कौन है। वो अब आगे आती है और पर्दों को खोलकर कहती है कि तकनीकी रूप से देखने पर यह मूवी कैसी है। मायका कहती है कि मूवी तकनीकी रूप से देखने पर कुछ खास नहीं है, मगर स्कूल में दिखाने के लिए चलेगी। इरिसू को भी ऐसा ही लगता है, मगर मुसीबत यह है कि मूवी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई है। चिटांडा कहती है कि क्या फिल्म को शूट करने के लिए वक्त कम था। वो मना करते हुए कहती है कि शूटिंग सही तरीके से हो रही थी और आखिरी पार्ट उन्हें अगले संडे को शूट करना है। असल में गड़बड़ी हुई है स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट लिखने के लिए उन्होंने होंगो मायू को कहा था, जो पहले कुछ मांगा और कॉमिक्स लिख चुकी है, मगर एक घंटे लंबी मूवी लिखना शायद उसके बस की बात नहीं थी। पता चलता है कि स्क्रिप्ट को यहाँ तक लिखने के बाद होंगो बीमार हो गई और आगे लिख नहीं पाई। इरिसू कहती है कि स्क्रिप्ट नहीं होने के बावजूद दर्शक फिल्म को देखकर कल्प्रिट कौन होगा बता पाएंगे। सातोशी कहता है कि एक नौसिखिया स्क्रिप्ट राइटर ने क्या एक मिस्ट्री मूवी में इतने क्लूज छोड़े होंगे कि दोषी का पता चल जाए। इरिसू कहती है कि उसने ये स्क्रिप्ट लिखने से पहले कई सारी मिस्ट्री बुक्स को पढ़ा था और उसने एक मिस्ट्री स्क्रिप्ट लिखने के लिए जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी रूल्स को फॉलो किया था। ये सब बताने के बाद इरिसू कहती है कि क्या तुम अब बता पाओगे कि कल्प्रिट कौन हो सकता है। वो लोग थोड़ा सोचते हैं मगर ये पता लगाना उनके बस की बात नहीं है और सब होतारों को देखने लगते हैं। सातोशी कहता है कि अब तुम्हारा डिटेक्टिव वाला काम शुरू भी कर दो। होतारों की शक्ल से पता चल गया है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बताता है कि उसने मूवी ठीक से नहीं देखी, इसीलिए कल्प्रिट कौन होगा बताना मुश्किल है। इरिसू कहती है कि तुम बस इतना बता दो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा शक किस पर है और हम उसी से काम चला लेंगे। होतारो नाम लेता है यामानिशी का, क्योंकि उसे उसका एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं लगा। बाकी सब उसे कहते हैं कि ये तो तुम्हारे मिस्ट्री सॉल्व करने का तरीका नहीं है। अब होतारो इरिसू से कहता है कि वो खुद इसे क्यों सॉल्व नहीं कर लेती है। जाहिर सी बात है कि उसे ऐसी चीज़ें नहीं आती है, तो होतारो कहता है कि आखिर तुमने इस प्रोजेक्ट को लीड क्यों किया था। इरिसू कहती है कि वो सिर्फ दो दिन पहले ही यहाँ पर आई है और उसे तब प्रोजेक्ट मिला था, और इससे पहले वो शहर से बाहर थी। अगर उसे ये प्रोजेक्ट पहले से दिया गया होता तो ये मिस्ट्री प्रोजेक्ट होने के कारण वो उसे पहले से ही मना कर देती। अब होतारो कहता है कि तुमने आखिर क्लासिक्स क्लब को ही क्यों चुना, तो वो कहती है कि पहले तो वो चिटंडा को बचपन से जानती है और दूसरी बात है कि उसने ह्योका के बारे में सुना था। चिटंडा कहती है कि उसने होतारो के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो होतारो समझ जाता है कि शायद उसे इतोइगावा सेंसेई से कुछ पता चला होगा। इसके बाद इरिसू मीटिंग को ख़त्म करती है और जाने से पहले कहती है कि वो मदद के लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकती है। इरिसू वहाँ से जाने लगती है तो चिटंडा कहती है कि अब मूवी का क्या होगा। इरिसू कहती है वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेगी और अगर नहीं हो पाया तो इनकम्प्लीट मूवी को ही पेश कर देंगे। ये बात चिटांडा को ठीक नहीं लगती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे जानना है कि आखिर होंगो ने क्यों अपने दोस्तों को धोखा दिया और मिस्ट्री को बीच में छोड़ दिया, और मूवी में किलर कौन हो सकता है। वो अपने चमत्कारी अंदाज में होतारो को मदद के लिए कहती है, जिसको वो मना तो नहीं कर सकता है, लेकिन कहता है कि अगर किलर का पता नहीं चला तो अधूरी मूवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इरिसू कहती है अगर तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो तो बस हमारे क्लास के कुछ लोगों की थ्योरी सुन लो और अपना ओपिनियन बता दो। अब होतारो इस प्रस्ताव को मना नहीं कर पाता है। अब वो लोग बाहर आ गए हैं और सातोशी कहता है स्कूल के पास जो हॉस्पिटल है वो इरिसू के फैमिली का है। इसके साथ साथ हमें इरिसू के कैरेक्टर के बारे में भी कुछ पता चलता है। वो दी एम्प्रेस के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को बहकाकर हमेशा अपना काम निकलवा लेती है।
इसी तरह से सातोशी बाकी सबको भी टैरोट कार्ड्स मतलब भविष्य बताने वाले कार्ड से कंपेयर करते हुए मायका को जस्टिस, खुद को दी मजिशियन और चिटांडा को दी फूल कहता है। चिटांडा कहती है कि तब होतारो कौन है, तो वो उसे स्ट्रेंथ कहता है जो कि होतारो को कुछ खास पसंद नहीं आता है। अब अगले दिन की बात है और तेज़ धूप के कारण होतारो स्कूल नहीं जाना चाहता है। तब डोरबेल की आवाज़ आती है और पता चलता है कि चिटांडा उसका इंतज़ार कर रही है। वो दोनों स्कूल पहुंच गए हैं और चिटांडा उन्हें कहती है कि अभी कोई आकर उन्हें डिटेक्टिव्स के पास ले जाएगा। मायका कहती है कि उसने इसका इंतज़ाम कैसे किया, तो पता चलता है कि उनके स्कूल के वेबसाइट में स्टूडेंट्स के लिए चैट रूम भी है जहाँ से उसने इसका इंतज़ाम किया है। क्लास 12 से इबा कुराको नाम की एक लड़की आती है जो उन्हें डिटेक्टिव्स के पास ले जाएगी। वो लोग उसके पीछे चलते हैं और रास्ते में चिटांडा मायका को कुछ स्पेशल चॉकलेट्स दिखाती है जो उसने स्नैक्स के लिए लाए हैं। आगे जाने के बाद सातोशी कहता है कि वो किन लोगों से बात करने वाले हैं, तो वो जवाब देती है कि वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रॉप्स मास्टर और पब्लिसिटी मैनेजर हैं। फिर पता चलता है कि इबा इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं थी, तो चिटांडा पूछती है कि क्या वो होंगो को जानती है। वो होंगो के बारे में ऐसी बातें कहती हैं कि उन दोनों का रिलेशन समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बाद में कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो लोग अब अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं और दरवाज़ा खुलने पर हम देखते हैं उन तीन डिटेक्टिव्स को। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे की मिस्ट्री के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ज़्यादा सोचो मत, सब्सक्राइब बटन को दबा कर चिल करो और देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।